सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। हिंदी दैनिक के हिंदुस्तान के पत्रकार राम प्रेम सिंह निराला जी यहाँ पे दैनिक जागरण के विजय केसरी जी आवे और दैनिक भास्कर के सम्मानित पत्रकार यशवंत पांडे जी, उन्हीं का इंतजार हो रहा था आवे। ओमी तंजीम के हारून साहब आवे, विद्वान पत्रकार आपके लंबे समय से। मीडिया दर्शन और सन्मार्ग के पत्रकार भाई देवेंद्र जी आवे। जेटी न्यूज से अफजल इमाम जी आवे। और YouTube चैनल चलाकर ताजपुर में अपनी विशेष पहचान बना चुके साथी साहिल सफीक जी, पत्रकार भी हैं, मित्र भी हैं। मैथिली प्रसंग के पत्रकार भाई अब्दुल कादिर जी आवे। आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? 9 वर्ष के मौके पर तमाम मोरवा विधानसभा के सभी मतदाता भाइयों, पूरे जिला के जिलावासियों को सहित बिहार वासियों को हम आज नए साल के मौके पर यही संदेश देना चाहते हैं कि 2020 और 2021 हमारा बुरा दौर था, कोरोना के माल से झेल रहे थे। इस महामारी में बहुत सारे गरीब, काफ़ी गरीब हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपने को खोया है और 2022 जो है ये इवन नंबर है। ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि 2022 सबके लिए सुखमय हो, शांतिमय हो, मंगलमय हो और विकास का दौर हो
और जो भी समस्या है मोरवा विधानसभा, ताजपुर नगर परिषद का समस्या है, ये एक एक समस्या को हम जनता के विश्वास पर खड़े उतरें और उसके लिए लगातार प्रयत्न करें और ईश्वर मुझे शक्ति दें कि लोगों के बीच हमेशा रहें, उनके दुख सुख में हम शामिल हैं। सर, आने वाले समय में ताजपुर में फिर से बारिश होगी और फिर से वही प्रॉब्लम जो पिछले साल आपने काफ़ी उसमें जतन किया, तो इस बार उसके लिए आपकी तैयारी है? पहले निश्चित तौर पर हम गंभीर हैं इस मुद्दे पर कि फिर से ना झेलना पड़े इस प्रकार से पानी का जल जमाव हुआ। हम लगातार जिलाधिकारी से लेकर सभी पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। आज ही मेरा जो नगर परिषद के एक्सिक्यूटिव हैं उनके साथ अभी बैठक है, उनसे बात करेंगे और आगे का कार्रवाई के लिए प्रयास। सर, ताजपुर नगर में जो पानी निकालने के लिए जो तत्काल जो नाले का जो खुदाई की गई थी साइड से, तो वो कुछ लोग जो है उसको भर भी रहे हैं, तो उसकी आगे की क्या प्रक्रिया होगी? वो ऐसा ही रहेगा या उसको भर दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो तो टेम्पररी अस्थायी रूप से पानी निकालने के लिए नाल निकाला गया, लेकिन अब तो जो भी काम होगा मास्टर प्लान के अंतर्गत काम होगा और अगली बार फिर सामना न करना पड़े जल जमाव का, इसके लिए पूरी तरह से हम चिंतित हैं। सर, अभी आज ये जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें आरजेडी के कोई भी एक खड़ा नहीं हुए, अभी क्या कारण था? ये देखिए, जिला परिषद का चुनाव हो या प्रमुख का चुनाव हो, पार्टी की तरफ से कोई डिक्लेयर तो होता नहीं है, पार्टी तो कोई सिंबल देता नहीं है, तो निश्चित रूप से सब लोग का समाज में अपना अपना भूमिका है, उस अधिकार पर चुनाव लड़ते हैं। और हमारे भी पार्टी के उपाध्यक्ष विनोद राय जी हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी जीत के आई है, कई जगह ऐसे हैं जो हमारे जीत के आए हैं। थैंक यू सर। आप लोगों के बीच माननीय हमारे विधायक साहब रंजीत साहू जी आए हैं और समाज में बहुत सा काम के लिए आप करेंगे कि चाहते हैं। हम लोग हमारा उनका इच्छा है, मेरा ग्रामीण का इच्छा है कि सर कुछ अपना मकसद दें। आज मनपुरा में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित पंचायत अध्यक्ष जी उमेश जी और प्रखंड अध्यक्ष जी हम लोग के पास, समीम साहब जो वार्ड सम्मानित सदस्य हैं, कादिर भाई, पत्रकार भाई देवेंद्र जी, राहुल जी और सभी उपस्थित हमारे सम्मानित साथी, एक छोटा सा प्रयास है, आप सब लोग को हम प्रणाम करते हैं कि आपने मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता को एक एक वोट देकर जिताया, विश्वास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने जनता मालिकों का अपने द्वारा अपने निजी फंड से हम सहयोग करें, सरकार का इसमें कहीं कोई तरह का, हम लगातार डीएम से भी बात किए हैं लेकिन कोई इस तरह का योजना नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन गरीबों के बीच जाएँ और छोटा सा उनको हम मदद कर पाए। इन्हीं चंद बातों के साथ जननायक कपूरी ठाकुर का नाम लेते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और छोटा सा मेरा ये मदद स्वीकार किया जाए। कुमारी देवी, नाम पुकारिए, देते चले जाइए। बैठ जाइएगा, लेकिन बैठ जाइएगा अपनी जगह पर, इधर से कौन बस पीछे तो हट जाए, आगे से आप लोग हट जाए।
आप लोग का नाम निकाल जो कुछ बढ़ जाते हैं समझते नहीं बात को चलिए इन्ने घूम कर हाँ हाँ आराम से रहिए आराम से आराम से ले जाए फिर चल अरे इधर है सब क्या करना है दे दे खाली हिल के ले हम लोग के दुआ में याद रखिए बस हो गया आप लोग का आशीर्वाद ही काफी आइए इधर ले लिए सर ठीक पकड़ लीजिए सर उधर देखा उधर नवीन उनके बारे में पूछना चल बोले चलिए मैं जी तो छूट गया है यार छूट गया था सॉरी 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 बता रहा हूं सर थोड़ा सा नहीं हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाह रफीक आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मानपुरा पंचायत में कादिर भाई के घर पे और यहां पे उनके जो ग्रामीण हैं जो उस लायक ग्रामीण थे जो बिल्कुल गरीब हैं मोरबा के विधायक रणविजय साहू जी का दो जगह प्रोग्राम हुआ है आज और एक तो पहले DMS पैलेस ताजपुर में उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित किया। उसके बाद आपको बता दें कि विधायक रणविजय साहू के द्वारा दो जगह जो है अपने तरफ से जो है गरीबों में कंबल वितरण का आयोजन किया गया जिसमें मानपुरा पंचायत के ही उमेश डीलर और दूसरी जगह कादिर इमाम के दरवाजे पर गरीबों को कंबल वितरण किया गया। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आसिफ आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट करें सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।